बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास एट। बेटा आप लोग कारवाने उर्दू बुक्स अपनी ले लें और अपने साथ रफ कॉपी और पेंसिल पेन अपने साथ रख लें। बेटा कारवाने उर्दू सफ़ा नंबर 112, सफ़ा नंबर 112 पेज नंबर 112 आज हम पढ़ेंगे लहू की दास्तान। ये एक आपबीती है, इसका तारुफ मैं पढ़ रही हूँ। आपने बहुत सी आपबीतियां पढ़ी हैं जो जानदार और बेजान अशिया की हैं। आइए अपनी तर्ज की एक और मुंफरिद आपबीती का मुताला करें। आपबीती की खामोश ख्वानी कीजिए। क्लास एट आप लोगों ने क्लास सेवेंथ में भी एक आपबीती पढ़ी थी, याद है किसी को आप में से? जी मैं आप आपबीती कहते हैं ऑटोबायोग्राफी को। आपबीती दरअसल वो तसनीफ है जो जिसमें मुसन्निफ अपने हालात जिंदगी खुद अपनी जबानी बताए, मुसन्निफ ने अपने हालात जिंदगी खुद अपनी जबानी कलमबंद किए हों तो हम कहेंगे ये आपबीती है। आपबीती के जो लघवी मानी है वो है अपना हाल अपनी कहानी, और इस्तिलाही मायने है इसके जाती तजुर्बा से मुतालिक लिखी जाने वाली तहरीर। अब यहाँ पे हम लहू की आबीती पढ़ेंगे। लहू आपको पता है कि खून, लहू जो है वो इंसानी जिस्म का सबसे अहम अज़ू होता है, और इंसान के जिस्म में अगर लहू ना दौड़े तो इंसान जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। अब देखिए यहाँ पे मुसन्निफ ने शुरू में एक रुबाई लिखी है, उसी रुबाई से इन्होंने आबीती का आगाज किया है। अगर लहू है बदन में तो खौफ है ना हिराज, अगर लहू है बदन में तो दिल है बेविश्वास। जिसे मिला ये मताएं गिरा बहा उसको, ना सीमो जर से मोहब्बत है ने गमे इफलास। अब देखिए इसमें हिरास का मतलब है खौफ दहशत डर, और बेविश्वास का मतलब है बिना शको शुबा बगैर किसी शुबे के। और मताएं गिरा बहा का मतलब है बहुत कीमती जो दौलत होती है ना आपकी, वो सीमो जर चांदी और सोना, और गमे इफलास है ने का मतलब है नहीं, ठीक है ना, और गमे इफलास है गरीबी का दुख। इस रुबाई में शायर जो बता रहे हैं वो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर इंसानी जिस्म में खून है तो उसे किसी चीज का डर और खौफ नहीं है, ठीक है। इंसानी दिल भी बिना शको शुबा खून की मदद से ठीक काम करता है, और ये कीमती दौलत जिसके पास है उसे किसी सोने की चांदी की किसी चीज की भी जरूरत नहीं होती। हत्ता कि गरीबी जैसा दुख जो है ना वो उसको भी बर्दाश्त कर लेता है इंसान अगर उसके पास सेहत जैसी नेमत हो। अब देखिए मैं शुरू कर रही हूँ आपबीती। आप लोग को पता है कि आपबीती का आगाज जो है वो हमेशा मैं से होता है। उसमें जो चीज अपनी कहानी बता रही होती है वो खुद को जो है वो मैं के जरिए मुखातिब करती है। अब देखिए मैं खून हूं मुझे लहू भी कहा जाता है, मैं जिंदगी के लिए नागुजीर हूँ, मेरे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी महाल है। मैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी रगों में रवा तवा रहता हूँ, मेरे खलिये हर वक्त भाग दौड़ में मसरूफ रहते हैं, आपका दिल इन खलियों को हर वक्त धक्के पर धक्के देता रहता है, इतने थके कि वो 90 सेकंड में पूरे बदन का चक्कर लगाकर वापस दिल में आ जाते हैं। बेटा क्लास एट बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके जो सवालात मैं करवाऊंगी ना वो आप लोग खुद इसके जवाब देंगे मुझे। उफ मेरा काम बहुत मुश्किल और पुरमुशक्कत है, मगर मैं हर वक्त अपने काम में मसरूफ रहता हूँ, अगर मेरी गर्दिश का दौरानिया जरा भी कम हो जाए तो आप बीमार हो जाते हैं, इसलिए मेरे सारे खलिये दिन रात आपको सेहतमंद और तवाना रखने के लिए अपने अपने काम में मसरूफ रहते हैं। अब मैं आपको इनके नामों और कामों में के बारे में बताता हूँ।
बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आगे इसकी जो है वो एक्सरसाइज भी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे इनके नाम और काम बहुत ध्यान से आपने ज़हन नशीन साथ साथ करने हैं। अब देखिए, सबसे पहले है सुरखा, ये सुर्ख खलिया है, इसका काम हर वक्त दूसरे खलियों को ऑक्सीजन पहुंचाना है। इसी खलिये की बिना पर मेरा रंग सुर्ख दिखाई देता है, ये खलिया होमोग्लोबिन के जरिए दूसरे खलियों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है बेटा। सुरखा यानी सुर्ख खलिया, जिसकी वजह से खून का लहू का जो रंग है वो हमें सुर्ख नजर आता है। उसके बाद है अकाल, ये एक सफेद खलिया है, इसका काम भी इसके नाम की तरह निराला है, ये खून की शरियानों से बाहर जाकर जरासीम और हमला आवर बैक्टीरिया को खाता है ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। अब देखिए, जिस तरह नाम मुनफरिद है वैसा ही काम भी मुनफरिद है कि किस तरह खून की शरियानों वेन्स जो होती है ना, हमारे ब्लड की वेन्स, उससे बाहर निकलकर ये हमारे जो बीमारी के जरासीम होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये खा जाता है ताकि वो हमारे जिस्म को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद है लेम्फी, ये भी एक सफेद खलिया है, ये अपने जहर से जरासीम को बेहोश कर देता है ताकि अकाल इनको आराम से खा सके। आप इसमें यूं भी कह सकते हैं कि लेम्फी जो है वो अकाल का मददगार खलिया है, ठीक है, वो अकाल की मदद करता है। इनके अलावा एक सफेद खलिया तो ऐसा भी है जो तवील अरसे तक नोट में बैठा रहता है और हर जरासीम का जहर याद रखता है और इस जरसूमे के हमले की सूरत में वही जहर बनाता है। इसको हर जरसूमे के लिए अलग जहर बनाना होता है, एक का जहर दूसरे के लिए कारामद नहीं होता, ठीक है। अब देखें, ये भी बहुत, इसका भी काम बहुत मुनफरिद है। इसके बाद है प्लेटलेट, ये भी बहुत अहम खलिया है, अगर आपको जख्म लग जाए और मैं बहने लगूं तो ये फौरन एक लहमिया को खून से लेकर खून बहने का रास्ता बंद कर देता है, वरना इंसान खून बनने से पहले ही फौत हो जाए, और अगर जख्म बड़ा हो तो ये सुर्खों को भी पकड़ लेता है और अपने जाल में पिरो कर मुझे बाहर रोक कर आप सबकी जाने भी बचाता है। देखिए, प्लेटलेट की मदद से अगर आपको कोई भी जख्म लगता है, कोई ऐसी चोट लगती है जिसके सबब आपका खून बह रहा है, तो प्लेटलेट जो है वो खून रोकने में मदद देते हैं। अजीज बच्चों, मैंने अपने साथियों का तारुफ इसलिए करवाया है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि अल्लाह ताला ने हमें कितने मरबूत निजाम में बांधा हुआ है। मरबूत का मतलब है एक तरतीब में, एक रब में, एक मुनज्जम तरीके से ये सारे खलिये जो है वो अपना काम अंजाम देते हैं, एक सिस्टम है इनका पूरा, उसी ने हमें ये सारा कमाल अता किया है, बेशक सारी तारीफें उसी के लिए हैं। मैं अपने साथियों के साथ मिलकर आपकी सेहत की हिफाजत करता हूँ और अल्लाह ताला के हुक्म से अपने काम में मशगूल रहता हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त बेहद दुख होता है जब मुझ पर फख्र किया जाए, अपने खून को आला और दूसरों को कमतर ख्याल किया जाए, हसनस जात बरादरी और फिरकों में इंसानों को देखकर मुझे निहायत अफसोस होता है। इंसानों से मैं कहना चाहूंगा, नेक्स्ट पेज है। अब देखिए, यहाँ पे फिर एक शेर है, जुदा जुदा है सूरतें, लहू का रंग एक है, ठीक है। अब देखिए, इसमें शायर बता रहे हैं कि आदमी बेशक अलग होगा लेकिन हर आदमी में उमंग एक ही होगी। क्या उमंग होती है हमारी जिंदगी में? हमारी जिंदगी का कोई ना कोई एक मकसद होता है ना बेटा। हम जब दुनिया में आते हैं तो हमें आगही होती है अच्छे और बुरे की, और हमारा मकसद ये होता है कि हम एक अच्छी और अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजार कर आखिर में सुरखरू हो सके। तो ये उमंग हर इंसान के दिल में होती है, चाहे वो किसी भी मजहब से क्यों ना ताल्लुक रखता हो। जुदा जुदा है सूरतें, लहू का रंग एक है, सूरतें बेशक अलग अलग हैं, हम सब की शक्लें जो है वो अल्लाह ताला ने अलग बनाई है, लेकिन हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है उसका रंग एक ही है। मुझे उस वक्त ही दुख होता है जब आप अफो दरगुजर से काम लेने के बजाय बहुत गुस्से में आ जाते हैं, ऐसे में कहा जाता है उसकी आंखों में खून उतर आया है, या जब आप बहुत बेमुरवती का बर्ताव करें तो कहा जाता है उसका खून सफेद हो गया, हालांकि मैं तो उससे मामूल अपना फर्ज अदा करता ही रहता हूँ। देखिए, यहाँ पे खून से मुतालिक जो है वो दो यहाँ पे मुहावरात दिए गए हैं। आंखों में खून उतर आने का क्या मतलब होगा? जब आपको बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है तो हम कहेंगे कि इनकी आंखों में खून उतर आया है। और खून सफेद कब होता है? जब आप जो है वो बेमुरवत हो जाते हैं, किसी से आप जो है वो धोखा देते हैं, किसी को
आप जो है वो किसी के साथ फरेब करते हैं तो कहा जाता है कि इसका तो खून जो है वो सफेद हो गया है। मुझे सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब लड़ाई झगड़े के दौरान मुझे बेदर्दी से बहा दिया जाता है। मुझे उस वक्त खुशी होती है जब आप अपने खून का अतिया अपने किसी जरूरतमंद भाई को देते हैं। क्लास ए बेटा, अतिया का क्या मतलब है? किसी को अतिया देने का मतलब है किसी को तोहफा देना, ठीक है? अतिया का मुराद, अतिया से मुराद है तोहफा देना। मुझे उस वक्त खुशी होती है जब आप अपने खून का अतिया अपने किसी जरूरतमंद भाई को देते हैं। मुझे उस वक्त ही निहायत फख्र महसूस होता है जब कोई जामे शहादत नोश करता है, क्योंकि शहीद के लहू के कतरे तो अल्लाह ताला को भी बेहद अजीज हैं। मैं आपको पैगाम देना चाहूंगा कि मेरी नेमत के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, मेरी कदर करें और दूसरों के खून, जान और इज्जत का भी एहतराम करें। अब देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर, मैंने रीड कर दिया है आपको बेटा। अब सरगर्मियां आ जाए, सवाल के जवाब आपको मैं कुछ मार्क करवाऊंगी, कुछ आपको डिक्टेट करवाऊंगी, साथ साथ करते जाए मेरे, अटेंटिव होके। और जवाब आप लोगों में से अगर किसी को आता है बेटा, आप जवाब देना चाहें तो हैंड रेस का जो ऑप्शन है वो प्लीज उस पर क्लिक करें, ताकि आप भी पार्टिसिपेट कर सके मेरे साथ साथ। अगर आप में से कोई ये समझता है कि इसका जवाब मैं दे सकता हूँ तो फौरन हैंड रेस का ऑप्शन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको भी मौका मिले, आप भी बोले। अब देखिए, पहला सवाल है, खून को सबसे ज्यादा अफसोस कब होता है? अभी अभी मैंने पढ़ा है, ये आखिरी पैराग्राफ जो भी मैंने रीड किया है, पेज नंबर 114 पे है इसका आंसर। कोई बताएगा आप लोगों में से, क्लास एट, सबसे ज्यादा अफसोस या सबसे ज्यादा दुख जो है वो खून को कब होता है? यस मिस जी, बताएं बेटा। खून को सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब लड़ाई झगड़े के दौरान उसे बेदर्दी से बहा दिया जाता है। वेरी गुड नुमान, बिल्कुल सही आंसर है, आप बिल्कुल ठीक बताया बेटा आपने। सफा नंबर 114 पे है सेकंड लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। अब आप इसमें थोड़ा सा सवाल में से लिख लीजिएगा, जैसे नुमान ने बताया, खून को सबसे ज्यादा अफसोस उस वक्त से, फिर आपने जो है वो वहां से मार्क करना है, अफसोस उस वक्त होता है जब लड़ाई झगड़े के दौरान उसे बेदर्दी से बहा दिया जाता है। वेरी गुड नुमान। चलिए, अब सवाल नंबर दो है, खून को किस बात पर खुशी होती है? ये भी बिल्कुल उसके साथ ही है, इसका आंसर देख लें। जहां से आंसर नंबर आपने वन खत्म किया है उसके साथ ही नंबर टू जो है वो शुरू हो जाएगा। आप इससे कोई बताएगा या मैं बता दूं आपको? जब उनको उस बात पर खुशी होती है कि जब आप अपने खून का अतिया अपने किसी जरूरतमंद भाई को दे देते हैं। वेरी गुड फातिमा, बिल्कुल ठीक है बेटा। ये आपको यहाँ पे जो मुझे लिखा है ना, मुझे काट के आप ऊपर लिख दें, खून को उस वक्त खुशी होती है जब आप अपने खून का अतिया अपने किसी जरूरतमंद भाई को देते हैं। वेरी गुड। चलें, अब सवाल नंबर तीन है, खून ने इस आबिती के जरिए आपको क्या पैगाम दिया है? ये भी जो है वो लास्ट, अभी आखिरी जुमला मैंने पढ़ा है, बहुत आसान है ये भी। कौन बताएगा इसका आंसर? खून ने साबिती के जरिए आपको क्या पैगाम दिया है? देखें, इसमें आप पहले सवाल में से लिख लें, खून ने इस आबिती के जरिए, इतना आप लोग मार्क कर लें। और फिर यहाँ पे देखिए, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन है, पेज नंबर 114 की सेकंड लास्ट लाइन है, पैगाम देना चाहूंगा जो है ना उसको आप तब्दील कर देंगे, पैगाम दिया है मैं, खून ने साबिती के जरिए ये पैगाम दिया है कि हमें उस जैसी नेमत के लिए, मेरी लिखा है ना, मेरी, उसको काट के लिख दें, हमें उस जैसी नेमत के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अदा करें को अदा करना चाहिए में हम तब्दील कर देंगे, ठीक है बेटा? थोड़ी सी इसमें तब्दीली जरूर होगी लेकिन आंसर आपका यही रहेगा, अदा करना चाहिए उसकी, जहां जहां मेरी लिखा है उसको आपने उसकी में तब्दील करना है, उसकी कदर करनी चाहिए, जो करे है उसको करनी चाहिए में तब्दील कर दें, उसकी कदर करनी चाहिए और दूसरों के खून, जान और इज्जत का भी एहतराम करना चाहिए। क्लास एट, समझ आ गया बेटा आप सबको? इसका आंसर ऐसे होगा कि खून ने साबिती के जरिए ये पैगाम दिया है कि हमें उस जैसी नेमत की
के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए और दूसरों के खून जान और इज्जत का भी एहतराम करना चाहिए। चलिए अब ये है बहुत ही दिलचस्प सवाल और इसमें मैं चाहूंगी कि आप लोग सब मुझे इसका आंसर वन बाय वन दें। अब देखिए, काम पर कर खून के अज्जा का नाम लिखिए कि ये काम कौन करता है। अभी मैंने आपको ये चारों जो है वो बताए थे, आपको इन्हीं में सब आपको इसमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए, अलिफ है जरासीम और हमला आवर बैक्टीरिया से बचाता है। कौन बचाता है हमें, जिसका नाम भी मुनफरिद था और काम भी उसका मुनफरिद है कि जरासीम और हमला आवर बैक्टीरिया से हमें बचाता है। कौन बताएगा क्लास एट? चलिए बेटा जल्दी जल्दी, टाइम फिर वेस्ट होगा इस तरह। मिस लैम्फी? नहीं, फैसल है, फैसल नो, अकाल है बेटा, ये इसका आंसर होगा अकाल। लैम्फी आगे आएगा, लैम्फी का भी, लैम्फी जो है ना बेटा वो बेहोश कर देता है, ये बचाता जो है ना वो अकाल है। ठीक है, अलिफ का लिखिए जरासीम और हमलावर बैक्टीरिया से बचाता है, मतलब अकाल। अब देखिए, बे है दूसरे खलियों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, वेरी इजी। कौन है जो दूसरे खलियों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? सुरखा। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं सुरखा, वो दूसरे खलियों को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। अब जीन का जवाब कौन देगा? खून बहने का रास्ता बंद कर देता है। अगर हमें कोई भी चोट लगती है तो कौन सी चीज है जो मदद करती है हमारे खून को रोकने में? जी क्लास एट, जी बेटा कौन बताएगा? प्लेटलेट। प्लेटलेट, वेरी गुड फातिमा। प्लेटलेट जो है वो जीन का जवाब है, प्लेटलेट खून बहने का रास्ता बंद कर देता है। और दाल है अपने जहर से जरासीम को बेहोश कर देता है, लैम्फी, वेरी गुड। ठीक है, अलिफ का आंसर है अकाल, बे का है सुरखा, जीन का है प्लेटलेट और दाल का है लैम्फी। अब देखिए अगला सवाल है, इस आबीदी में दो महावरात ऐसे आए हैं जिनमें लफ्ज खून आता है, आंखों में खून उतर आना और खून सफेद हो जाना। अब आप अपने साथियों से मशवरा करके जिन ऐसे महावरे लिखिए जिनमें खून का तस्करा हो। देखिए मैं भी बोल रही हूँ, एक आध दो साथ साथ आप में से अगर किसी के जहन में कोई भी इस तरह का मुहावरा आए तो आप भी जो है वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर। अब देखिए, इसमें आप पेन या पेंसिल जो भी आपके हाथ में, ये बुक में ही लिख लें इसको, ये बुक में ही आप साथ स्पेस है आपके पास उसमें लिखते जाए। एक लिखिए खून खोलना, ये एक मुहावरा है खून खोलना। क्या मतलब है इसका? जब बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा आए तो कहा जाता है कि खून खोल रहा है मेरा, खून खोलना लिखिए एक। फिर एक मुहावरा लिखिए खून खराबा होना, खत्मा लगा के साथ साथ जो है वो लिखते जाएं, खून खोलना, खून खराबा होना, खून बहा अदा करना। खून खराबा होने का मतलब है जो बहुत ज्यादा फसाद हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो हम कहेंगे खून खराबा हो गया है। और खून बहा अदा करना क्या मतलब होगा? खून बहा अदा करने का, जब जो है वो कोई जुर्म सरजद हो जाए, किसी का कत्ल हो जाता है तो बदले में जो है वो खून बहा अदा किया जाता है, किसी भी जो है वो पैसों की सूरत में, तो कहा जाता है कि ये खून बहा अदा किया गया है। खून पसीना एक करना, इसका क्या मतलब होगा? सख्त मेहनत करना, बहुत ज्यादा शदीद मेहनत करना, खून पसीना एक करना। और बताएं, किसी को आ रहा है कोई खून से मुतालिक कोई भी मुहावरा? अब देखिए, एक है खून का प्यासा होना, जब आप किसी की जान के दुश्मन हो जाए तो कहेंगे कि खून का प्यासा हो गया है ये। खून के घूंट पीना, ये भी एक मुहावरा है, खून के घूंट पीना। ठीक है, चलिए ये पांच छह मुहावरात मैंने आपको लिखवा दिए। अब अगला सवाल है, आबीदी के आगाज में मौजूद कते का मफहूम तहरीर कीजिए। चलिए बेटा, ये अब रफ कॉपी में मैं डिक्टेट करवा रही हूँ, आप इसको रफ कॉपी में लिखिए जल्दी से। एक्सक्यूज मी मिस, जी बेटा बोले। नुमान मिस, जो आपने चैप्टर्स मिस करवाए हैं वो मुझे मार्क करवा दें।
बेटा जो मिस करवाए हैं, yes. जो स्किप करवाए हैं आप, yes. ये कह रहे हैं ना जो छोड़, बेटा वो फिर मैं एंड पे आपको अगर टाइम हुआ ना मार्क करवा दूंगी, वरना अभी जो है ना वो लेक्चर हमारा इनकम्प्लीट रह जाएगा. ठीक है बेटा, इसको हम एंड पे मैं आपको डिस्कस हम कर लेंगे इसको. अभी आप पहले जल्दी से मफहूम लिख लें. अब देखिए आप इसका सवाल लिखेंगे, आप बीते के आगाज में मौजूद कत्ए का मफहूम तहरीर कीजिए, जवाब में आपने कता लिखना है बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम जो है वो बंद की तशरीह में जब हम लिखते हैं, आप 3-4 वर्ड्स लिख लें. अगर है लहू बदन में और डॉट्स डालकर लिखते हैं अफलास गमे अफलास. ठीक है 2-3 वर्ड्स लिख लें. अगर लहू है बदन में डॉट्स और गमे अफलास और मफहूम की हेडिंग दे दें. अब मैं इसका मफहूम लिखवा रही हूँ, आप लोग लिखें साथ साथ. देखिए अगर इंसानी जिस्म में, अगर इंसानी जिस्म में खून है तो उसे, अगर इंसानी जिस्म में खून है तो उसे किसी चीज का डर नहीं. अगर इंसानी जिस्म में खून है तो उसे किसी चीज का डर नहीं. जुमला मुकम्मल हो गया है. अगला जुमला लिखिए, खून के बदन में होते हुए, खून के बदन में होते हुए इंसानी दिल भी बिला शको शुबा ठीक काम करता है, बिला शको शुबा ठीक काम करता है. खत्मा, ये कीमती दौलत जिसके पास है उसे ना सोने की जरूरत है ना चांदी की. यहाँ पे नून है वाला ना आएगा. उसे ना सोने की जरूरत है ना चांदी की. खत्मा, गर्स के ये सबसे बड़ी दौलत है सेहत जैसी दौलत मयसर हो तो इंसान, सेहत जैसी दौलत मयसर हो तो इंसान गरीबी का दुख भी, तो इंसान गरीबी का दुख भी भूल जाता है, तो इंसान गरीबी का दुख भी भूल जाता है. अब देखिए इसके बाद एक नसर पारा है, इसकी हमें तशरीह करनी है. क्लास 8 एक पैराग्राफ है, एक नसर पारा है, इसकी हम तशरीह करेंगे. पैराग्राफ है सफा नंबर 113 पेज नंबर 113. उसमें जो है वो लास्ट पैराग्राफ है. मैं अपने साथियों के साथ मिलकर वहां से लेकर और निहायत अफसोस होता है तक, वहां से लेकर निहायत अफसोस होता है तक हमें पैराग्राफ की रचना लिखनी है. आप लोगों ने इसमें जो है वो कैसे हमें तरीका आपको पता है, सबसे पहले लिखें खाका इक्तिबास की हेडिंग दें क्लास 8. खाका इक्तिबास की हेडिंग देकर आप डॉट्स डालकर पहले शुरू के 2 लफ्ज लिखें, 3 लफ्ज लिखते हैं मैं अपने साथियों डॉट्स और फिर अफसोस होता है, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के हवाला मतन की हेडिंग दें क्लास स्टूडेंट्स. बेटा जरा क्विकली ठीक है बेटा, आपने हवाला मतन की हेडिंग दे दी है. अब लिखे सबक का उनवान, उसके सामने लिखे लहू की दास्तान, नेक्स्ट लाइन में लिखे मुसन्निफ का नाम. चूंकि इसमें मुसन्निफ का नाम हमें नहीं दिया गया तो आप लोगों को पता है ऐसी सूरत में क्या करते हैं, एक छोटा सा खत्मा लगाकर उसको वहीं पे छोड़ दें. उसके नीचे लिखें
आप लोग जो है अगर स्क्रीन पे भी अपनी देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आपको साथ साथ दिखाई दे रहा होगा। उसके नीचे माखस, चूंकि इसमें हमें नहीं पता कि ये जो है वो किस सबक से माखूज है, तो हम इसमें कारवान उर्दू अपनी किताब का नाम लिख देंगे। और सिंफ अदब पता ही आप सबको, आप बीती है लिख दें आप लोग। और खत कशीद अल्फाज के मायने एक लाइन छोड़ के हेडिंग दें, अल्फाज के मायने लिखें। मशगूल मसरूफ, फखर गुरूर, कमतर हैसियत में कम, आला बुलंद और बेहतर, हस नस का है खानदानी सिलसिले, और बटे हुए तकसीम हुए। बटे हुए का लिखें तकसीम हुए। और उसके बाद अब आपने तशरीह की हेडिंग देनी है, दो पैराग्राफ पे मुश्तमिल होगी बेटा ये तशरीह हमारी। और पहला पैराग्राफ जो है वो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सियाक व सबाक की सूरत में होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट अगला पैराग्राफ जो होगा हमारा, वो तशरीह पैराग्राफ से रिलेटेड हम तशरीह उसमें हम करेंगे। चले अब लिखना शुरू कीजिए बेटा। लिखे इस सबक में मुसन्निफ ने हमें इंसानी जिस्म के सबसे अहम अजू लहू यानी खून के बारे में बताया है। खत्मा, खून अपनी कहानी बहुत दिलचस्प और पुरतासुर अंदाज में सुनाता है। खत्मा, किन किन मवाके पर खून खुशी कौमा खुशी कौमा दुख कौमा दुख कौमा फखर या अफसोस की कैफियत से गुजरता है। फखर या अफसोस की कैफियत से गुजरता है कौमा, ये मुसन्निफ ने बहुत खूबी से बताया है। खत्मा, खून का काम बहुत मुश्किल और पेचीदा होता है। खत्मा, खून का काम बहुत मुश्किल और पेचीदा होता है। ये हर वक्त अपने काम में मसरूफ रहता है। खून की गर्दिश का दौरानिया अगर जरा भी कम हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। इस सबक में मुसन्निफ ने खून के तमाम खलियों के नाम और काम भी बताए हैं। अब देखें यहाँ पे हमारा पहला पैराग्राफ खत्म हो गया है, अब दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। खून अपने साथियों के साथ मिलकर आपकी सेहत की हिफाजत करता है। खत्मा, अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक खून अपने काम में मसरूफ रहता है कौमा, लेकिन उसे बहुत तकलीफ होती है जब कोई बिला वजह खून की वजह से खुद पर गुरूर
खुद पर गुरूर करता है, खुद पर गुरूर करे। खत्मा अपने खून को सबसे बेहतर और अपने खून को सबसे बेहतर और दूसरों को कम हैसियत, दूसरों को हैसियत में कम ख्याल करे, दूसरों को हैसियत में कम ख्याल करे। माँ बाप का खानदानी सिलसिला कौमा जात कौमा बरादरी और फिरकों में तकसीम हुए इंसानों को, फिरकों में तकसीम हुए इंसानों को देख कर खून को बहुत अफसोस होता है, खून को बहुत अफसोस होता है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते होंगे घर का काम जो है वो भी साथ साथ शेयर हो रहा है। घर के काम में अब आपको लहू की दास्तान जो भी चैप्टर हमने पढ़ा है इसके अल्फाज मायनी, सवाल जवाब, नसर पारे की तशरीह अगर आपने रफ में की है तो नीट हैंड राइटिंग पे, आपने नीट कॉपी पे नीट हैंड राइटिंग में इसको मुकम्मल करना है और ये तमाम काम कोशिश करें कि साथ साथ आपको याद भी होता जाए। कारवाने उर्दू में सफा नंबर 117 पेज नंबर 117 पे जो है वो सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर 7 है कि उसमें से किसी भी एक पर आपको आबी की तहरीर करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास चॉइस है पेज नंबर 117 पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, रुपया, खुशबू, दुआ, माली बाबा, उस्ताद मोहतरम और रोटी। इनमें से आप कोई भी एक उनवान जो है वो मुंतखब कीजिए और उसकी आपने आबीदी लिखनी है। कास्ट 8 यूं समझ लें कि आज का काम मैंने करवा दिया है लेकिन अभी इसका बुकवर्क रहता है, ठीक है बेटा। इसका कवायद का जो काम है वो भी हमारा रह गया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको मैं करवाऊंगी, लेकिन आप लोग जो है वो अभी होमवर्क को देख लें और कोई सवाल है तो पहले वो कर लें क्योंकि 4 मिनट्स आर लेफ्ट। इसका जो बुक वर्क है वो इंशाल्लाह हम अपनी अगला जो हमारा लेक्चर होगा मंडे को हम तब कर लेंगे। एक्सक्यूज मी टीचर। जी बेटा। मिस मैं आपसे पूछना था कि हम जो कॉपी में काम करेंगे वो हमने कौन से चैप्टर से शुरू करना है, हम शाहीन के इकबाल है वो हम इकबाल के चाहिए ना। बेटा हाँ जी, आपको जो काम शुरू करना है ना कॉपी पे, अभी तक तो जो काम मैंने दिया था वो असाइनमेंट्स थे, वो आपने यकीनन रफ में किया होगा काम, और यहाँ पे जो नीट कॉपी पे मैंने काम शुरू आपको करवाया है ना बेटा, वो मैंने करवाया है सितारों से आगे जहाँ और भी हैं से, ठीक है। उर्दू के 5 दरख्शां सितारे जो थे ना वो हमारा लास्ट काम था जो हमने असाइनमेंट की सूरत में किया था, और इकबाल की जो हमारी गजल थी सितारों से आगे जहाँ और भी।